मिशन वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को जीत दिलाने वाले गब्बर यानी शिखर धवन चोटिल होने की वजह से टीम से 3 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। इसका मतलब धवन अब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ भारत के आगामी मैच नहीं खेल पाएंगे। ये सभी मैच जून में खेले जाने हैं। दरअसल धवन ओवल मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन की शतकीय पारी बनाने के दौरान चोटिल हो गए थे। धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर होने के कारण अब वर्ल्ड कप में उनकी वापसी मुश्किल है। शिखर धवन के बाहर होते ही भारतीय टीम में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अब टीम में ओपनिंग कौन करेगा या फिर चौथे नंबर पर कौन खेलेगा। टीम के कॉम्बिनेशन को देखें तो फिलहाल केएल राहुल की उम्मीद सबसे ज्यादा लग रही है। राहुल इससे पहले भी ओपनिंग कर चुके हैं और आईपीएल और टेस्ट मैचेस में भी राहुल ओपनिंग करते नजर आए हैं। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे में 13 जून को होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने केएल राहुल उतर सकते हैं। अब तक राहुल चौथे नंबर पर खेल रहे थे, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल ओपनिंग करेंगे तो फिर चौथे नंबर पर कौन खेलेगा। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिनेश कार्तिक, विजय शंकर या केदार जाधव चौथे नंबर पर खेल सकते हैं। हालांकि अगर इस बात की पुष्टि होती है कि शिखर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो बीसीसीआई की ओर से उनका रिप्लेसमेंट भी मांगा जा सकता है। इस कड़ी में धवन के टीम स्क्वाड से बाहर होने पर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि आगामी मैचों में शिखर धवन की जगह लेने वाला खिलाड़ी धवन की ही तरह भारतीय टीम को जीत दिलवाने में कितना कामयाब होता है। रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।